स्वागत है। पीओके में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लोग किस तरीके से आजादी की मांग कर रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान से हो रही ज्यादती के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन और गुस्सा देखने को मिला है। पीओके के हजीरा इलाके में ये प्रदर्शन हुआ है, लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। लोगों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भी नारे लगाए। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी सेना की तरफ से किए जा रहे जुल्म का भी विरोध किया है। पाकिस्तान से आजादी के नारे भी इन प्रदर्शनकारियों ने लगाए। एक तरफ पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, वो लगातार आतंकियों को संरक्षण दे रहा है। पीओके में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी सलाहुद्दीन का जोरदार स्वागत हुआ, जिसका वीडियो कल ही सामने आया था। तो ये दो तस्वीरें हैं पाकिस्तान के पीओके से, जहां पर एक तरफ सलाहुद्दीन है, जिसे हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने खिलाफ हो रही ज्यादतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है उन्हें, वो आजादी की मांग कर रहे हैं। अपने यूके में स्थानीय नेता हयात खान ने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी देते हुए कहा, आतंकियों को पीओके में भेजना बंद कर दें, नहीं तो वो लोग आतंकियों को बाहर निकाल फेंकेंगे। मैं पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान के वजीर आजम को लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े होकर ये बात कहता हूँ कि दहशतगर्दों को मत भेजो यहाँ पे। ये जो तुम मिलिटेंट भेज रहे हो, ये जो ड्रैकोला किस्म की नस्ल भेज रहे हो, जिनके होने ये खौफनाक है, जो इंसानी शक्ल के नहीं लगते हैं, ये जो इलाका है जहाँ लोगों को धमकाया जाता है, मुजाहिदीन को पनाह नहीं दोगे भाषण नशक कर देंगे। पूरा हमारी मेरी दस्ती के अंदर हम और भी देते हैं मजाक। ये जो दहशतगर तंजीमें हैं, जो बैन शुदा तंजीमें हैं, जो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में दहशत की अलामत है, वो आज खुलेआम चंदे करती हैं। मैं कांग्रेस साथियों से हम मुचेदा तौर पे सब बैठ के दयामंद देंगे और इनको यहाँ से बाहर निकालेंगे, भगाएंगे।